हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाईकॉम सॉल्यूशन पर। मैं आपका दोस्त सत्य प्रकाश आज फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या, अपनी स्टैमिंग की समस्या नीचे कमेंट करे। मैं उस कमेंट पर वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात आप जान लें, स्टैमिंग का कोई जादुई या तत्कालिक इलाज नहीं है कि आप रातों रात ठीक हो जाएं। स्टैमिंग जो आपके बचपन से है उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके अपने फिजिकल पर, आपके अपने माइंड पर कि आप कितनी जल्दी इस चीज़ को सीखते हैं, कितनी जल्दी आपको ये परफेक्ट होता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला कमेंट आया है योगेश रघुवंशी का, जो कहते हैं कि सर, स्टार्टिंग के वर्ड निकलते ही नहीं है मुंह से। योगेश रघुवंशी कहते हैं कि सर, स्टार्टिंग के वर्ड मुंह से निकलते ही नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? तो योगेश जी, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जिसको अगर प्रॉब्लम है बोलने में तो वह उज्जायी प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें और बोलने से पहले गहरी सांस लें। जब भी आपको कुछ बात करनी है, किसी के सामने जाना, तो उससे पहले आप 2-3 बार गहरी सांस लें, उसके बाद बोलें। अगर आप किसी वर्ड पर, किसी अक्षर पर स्टार्टिंग में अटक रहे हैं तो उस कैरेक्टर को, उस अक्षर को स्टार्टिंग में थोड़ा खींच कर बोलें। ऐसे क्या वो कै बोलना तो कै की जगह आप कै बोल लें, क्योंकि अक्सर हम वहाँ अटकते हैं जहाँ हमारी जीभ चिपक जाती है। तो हम कोशिश करें कि हमारी जीभ ना चिपके, हमारे होंठ ना चिपके। तो पहले अक्षर को थोड़ा खींच कर बोलें और सांस लेकर बोलें। और सबसे ज़रूरी बात, आपको एक्सरसाइज जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई हुई है वो आपको रोज़ करनी है, उससे आपकी सारी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल पूछा है राज अंसारी जी ने। ये कहते हैं कि सर, स्टार्टिंग के वर्ड पर ब्लॉकेज आती है, प्लीज इस पे एक वीडियो बनाएं आप। तो राज, आपका सवाल भी योगेश जी जैसा है, तो आप भी इसी टेक्निक को फॉलो करें। जैसा कि मैंने अभी बताया है, आप भी इसी टेक्निक को फॉलो करें। अगला सवाल पूछा है करम सिंह ने, मेरे से बात हुई थी लेकिन इनका असली नाम अनिस है। तो इनका सवाल है सर, जब मैं मार्केट शॉपकीपर के पास कुछ खरीदने जाता हूँ तब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, एकदम से ब्लॉक हो जाता हूँ, एंड कभी कभी किसी को कुछ बोलने से पहले माइंड में ये थॉट आते हैं कि मैं इस सेंटेंस वर्ड को नहीं बोल पाऊँगा, फिर उस पर भी एकदम से ब्लॉक हो जाता हूँ। करण जी कहते हैं कि मतलब वो किसी मार्केट में जाते हैं तो उनके दिमाग में फालतू की थॉट आ जाती हैं, वो सोचते हैं कि मैं उस वर्ड का बोल नहीं पाऊंगा या कैसे बोल पाऊंगा। तो करण जी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आपको थॉट के लिए आपको एक हिमालय का मैंडेट आता है। आपको बताया था कि आपको हिमालय का मैंडेट आपको रोज लेना है। आपको हिमालय मैंडेट टेबलेट एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आपको लेना है। इससे आपके जो भी आपके माइंड में फालतू के थॉट आते हैं, आपकी जो घबराहट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये समस्या आती है वो फेयर से आती है। अगर आप मॉर्निंग में आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है आप उसको करेंगे, तो उससे आपका माइंड का, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फियर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट आने माइंड में बंद हो जाएंगे और आप कहीं जाएंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप कुछ सोचें, आप सीधे वहां जाकर अपनी बातें बोल पाएंगे। अगला सवाल किया है शुभम कुमार सिंह ने, ये कहते हैं सर, मुझे स्ट्रैमिंग की प्रॉब्लम तो बचपन से है लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी मेमोरी कम होने कारण से या फिर डर के कारण से मुझे स्ट्रैमिंग होती थी, तो मैं इसके लिए मेमोरी को बूस्ट करने का मेडिसिन खा रहा हूँ, इससे काफ़ी अच्छा मुझे बेनिफिट हुआ है, मैं योगा भी साथ में कर रहा हूँ। सर, एक वीडियो बनाइए कि डर को कैसे दिमाग से बाहर निकालें। शुभम जी, डर का कोई इलाज नहीं है, डर का इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको अपने डर से लड़ना है, आपको डर खत्म करना है और वह खत्म होगा आपकी मेडिटेशन से, आपकी एक्सरसाइज से। आप अगर आप मॉर्निंग में आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका डर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
आप लोगों से बात करें, आप अनजान लोगों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, जितना आप लोगों से बात करेंगे उतना ही आपका डर कम होगा और आप हिमालय का मैंडेट टैबलेट एक सुबह एक शाम जरूर लें, इससे आपको काफ़ी हद तक फायदा होगा। दोस्तों शुभम कुमार सिंह जी ने एक और कमेंट किया है, मैं पढ़ता हूँ क्या कमेंट किया है। सर यह दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है, मैं एक मंथ से ले रहा हूँ, मेरा स्टमक 95% ठीक हो गया है, आपने सर बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन लिया, यह दवाई मैं आपके वीडियो देखने से पहले मैं खा रहा था, एक दोस्त ने मेरा बताया था खाने के लिए और यह दवाई मैं उसे कहने पर खाया और काफ़ी अच्छा दवाई का रेस्पॉन्स है, साथ में योगा भी और करते हैं जिसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है दवाई का। तो दोस्तों शुभम कुमार जैसे मेरी फ़ोन पर पर्सनली बात हुई थी, ये हिमालय का मैंटायर टेबलेट रेगुलरली ले रहे हैं जिससे इनकी स्टेमिंग 95% तक ठीक हो चुकी है, और जब मैंने बात की तो मुझे लगा ही नहीं कि इनको स्टेमिंग भी है, ये एक भी वर्ड पर कहीं नहीं अटके, इनका फ्लुएंट इतना अच्छा है, वो इतना अच्छे से बात करते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये पहले स्टेमर रह चुके हैं या अभी भी स्टेमिंग करते हैं। दोस्तों जिसको भी डर लगता है, जिसके माइंड में फालतू के थॉट आते हैं, वह हिमालय का मैंटायर टेबलेट का सेवन जरूर करें, उससे आपके थॉट कम होंगे, आपका माइंड शांत रहेगा, आपकी धड़कनें शांत रहेंगी, आपको स्टेमिंग में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों अगला कमेंट आया है गुप्ता जी ऑफिशियल, इनका नाम गुप्ता जी ऑफिशियल लिखा हुआ है, तो ऑफिशियल किसी का नाम होगा नहीं, तो गुप्ता जी बोल सकते हैं इन्हें। इन्होंने कमेंट किया है सर स्टार्टिंग में बिल्कुल साउंड ब्लॉक हो जाता है, इस पर वीडियो बनाएं प्लीज सर। अक्सर हम सभी लोगों के साथ एक समस्या होती है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग कर ही नहीं पाते, हम अक्सर स्टार्टिंग में ही अटक जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और हमको पता ही नहीं है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब भी हम किसी से बात करें बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करें, गहरी सांस लें 3-4 बार, उसके बाद आप बोलें। अगर आप फिर भी आप स्टार्टिंग वर्ड पर अटक रहे हैं तो पहले अक्षर को थोड़ा स्ट्रेस कर दें, थोड़ा खींच कर बोलें, ताकि जो भी आपका फियर है, जिससे मतलब स्टार्टिंग क्या होता है, हमारे ऊपर कोट चिपक जाता है, हमारे लिप्स चिपक जाते हैं, अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर को थोड़ा खींच कर बोलेंगे तो चिपकेगा नहीं और वह मुँह से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है गणेश जाटवंशी का, ये कहते हैं सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन ब्लॉकेज कम नहीं हो पा रहे, प्लीज सर हेल्प मी। इन्होंने इसके बाद एक कमेंट और किया है, और सर कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है प्रैक्टिस करने के बाद भी, कुछ हेल्प करो सर। तो मैंने गणेश जी से फोन पर पर्सनली बात की, ये जो मैं जो अपनी एक्सरसाइज बताई हुई थी लास्ट वीडियो में, ये उन एक्सरसाइज को नहीं कर रहे थे, थोड़ा अलग कर रहे थे, जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि पहले ये करनी है, उसके बाद ये करनी है, उसके बाद ये करनी है, वो ऐसा नहीं कर रहे थे, ये इन्होंने एक्सरसाइज को मिक्स कर दिया, और जो स्टेमिंग की मेन एक्सरसाइज होती है ब्रीथिंग होल्ड एक्सरसाइज, ये उसको बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तब मैंने नहीं बताया कि आपको एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, और मैंने बोला आप 10-15 कीजिए, उसके बाद मुझे फिर से कमेंट करना, यूट्यूब पर कमेंट करना, मुझे कॉल करना, आपको 100% फायदा होगा। तो दोस्तों आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है जैसा मैं बताता हूँ उसी तरीके से, उसी वे में करनी है, उसी तरीके से करनी है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज को आगे पीछे कर दिया, जो एक्सरसाइज पहले करनी है उसको बाद में कर दिया, जो बाद में करनी है उसको पहले कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपको हर एक एक्सरसाइज आपको उसी सिक्वेंस में करनी है जैसा कि मैं बताता हूँ। दोस्तों अगला कमेंट आया है विकास पाटिल जी का, इनका कमेंट मैं पढ़ता हूँ। चाइल्डहुड स्टैमिंग स्पीकिंग ब्लॉकेज प्रॉब्लम, ये कहते हैं कि मुझे बचपन से ही ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रही है, तो कैसे ठीक होगी? तो विकास जी मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ब्लॉकेज के लिए एक्सरसाइज करें, आप सभी लोग ये चीज़ जान लें कि बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होने वाला, आप कितनी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर लें, कितना भी आप बोलते हुए टेक्निक यूज कर लें, कि अगर आप मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई हुए हैं अगर वो नहीं करते हैं तो आपकी स्टैमिंग बहुत लंबे समय तक रहेगी और बहुत ही धीरे धीरे ठीक हो पाएगी। अगर आप इस स्टैमिंग से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, तो मेरी पिछली सभी लास्ट वीडियो को देखें, उन सभी एक्सरसाइज को करें और रेगुलर करें,
आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपकी टेक्निक के साथ बात करें। ब्लॉकेज के लिए उज्जायी प्राणायाम, सिंहासन काफी इफेक्टिव होता है। आप उनको रोज करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और भ्रामरी करें, ओम का उच्चारण करें, बुक रीड करें। बुक रीड करने से क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल बुक पर लगा रहता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो बुक रीड करते हुए हमारे साथ दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा जो टंग है वो चलता रहता है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा हमारा कंसंट्रेट, मतलब हमारा माइंड पूरा ध्यान लगाता है बुक पर। तो दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तो बुक रीड जरूर करें। दोस्तों अगला कमेंट आया है सुभाष वेमंग का, लिखा हुआ है सुभाष 56 U वेमांग, तो इनका नाम वेमांग या 56 तो होगा नहीं, सुभाष ही होगा। ये बोलते हैं लिप्स वर्ड पे ज्यादा स्टेमिंग होती है, पी पी एच ए बी बी एच ए एम ए, आई थिंक ये बोले हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जो लिप्स के साथ बोले जाते हैं, उन पर इनको ज्यादा स्टेमिंग होती है। तो मैंने अभी बताया था कि जब हम कुछ वर्ड पर जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स चिपक जाते हैं, कुछ वर्ड पर हमारे जीभ को ज्यादा इफेक्ट करना पड़ता है या वो चिपक जाती है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें जब भी इस तरह के वर्डों को बोलना है तो थोड़ा उनको खींच के बोलना है, जिससे कि हमारे होंठ चिपके नहीं, हमारे टंग चिपके नहीं और वह वर्ड ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से बाहर निकल जाए। दूसरी ट्रिक आप ये यूज कर सकते हैं कि जब भी आप किसी वर्ड को बोलें या किसी से बात करें तो गहरी सांस लें और उस सांस के साथ साथ ही आप बोलें। अगर आप सांस के साथ साथ ही बोलेंगे तो आपकी जो वॉइस है वो ऑटोमेटिक निकल जाती है, आपको ज़्यादा इफेक्ट डालना नहीं पड़ता है। और कोशिश करें कि आप जब भी किसी से बात करें तो अपने वर्डों को सुनें कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक तो बोलने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड बोलेंगे आप। दूसरा अगर हम अपने वर्डों को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन सा वर्ड सही बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड गलत बोल रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने वर्डों को सुनना है, अपने वर्डों पर ध्यान देना है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड, आपकी वॉइस क्लियरिटी, आपका जो वर्ड को छोड़ना या वर्ड को आधा बोलना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपकी वर्ड्स में आपकी फ्लुएंटली आने लगेगी, आपकी वॉइस क्लियर होने लगेगी। लेकिन ये आपको लगातार करना है और एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है। दोस्तों अगला कमेंट आया है हेमंत विजय कुमार, ये पूछते हैं कि सर आपको भी प्रॉब्लम थी क्या? तो हेमंत जी मैं बता दूं कि मुझे बचपन से स्टैमिंग थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने इसको 30 साल तक फेस किया है और मुझे स्टैमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं अपना नाम तक किसी को बता नहीं पाता था, फ़ोन पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। जो भी समस्या आपके साथ हो रही है कि हाँ टिकट लेना या मैं किसी शॉप पर जाऊँ सामान लेने की है तो मेरे माइंड में थॉट आ जाते हैं, या मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मेरे लिप्स कम जाते हैं, मेरी आंखें बाहर निकल जाती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो सभी समस्याएं भी मेरे साथ रही थी। 30 साल तक मैंने इनको फेस किया था, लेकिन मैंने एक्सरसाइज की, लगातार मेहनत की और मैं ठीक हो गया। तो अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं तो प्लीज जो भी मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आप उन सभी एक्सरसाइज को रेगुलर करें, रोज करें, उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। तो दोस्तों जितने भी आज मुझे कमेंट मिले मैंने सभी कमेंट का जवाब दिया, आगे भी जवाब देता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज डेली करेंगे अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो। बिना एक्सरसाइज के आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप कितनी आप प्रैक्टिस कर लें, कितना भी आप कुछ भी कर लें, कितनी आप बोलते हुए टेक्निक यूज कर लें, अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी पिछली सभी वीडियो को देखें, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, एक्सरसाइज मिल जाएंगी जिन्हें आपको अपनी लाइफ में करना है और उससे आपको स्टैमिंग में काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी सभी वीडियो अच्छी लगती हैं, पिछली वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको उन एक्सरसाइज से, उन टेक्निक से कितना फ़ायदा हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई टेक्निक के साथ। जय हिंद, जय भारत।